हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नंदकिशोर क्रिएटिविटी। देखिए, आज हमने बहुत ही प्यारी सी कॉटन फैब्रिक में, प्रिंटेड फैब्रिक है ये, इसमें हमने ड्रेस बनाई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये हमने 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है, 4 नंबर को भी ये आ जाएगी ड्रेस। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे पहनानी है। ये देखिए, इस तरह से रखेंगे और हम यहाँ से लेकर आएंगे नीचे से और गले में हम यहाँ पर डाल देंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे हम लड्डू गोपाल को पहनाएंगे और ये हम यहाँ पे इस तरह से बांध देंगे। जो हमने डोरी लगाई है ये हम ऐसे करके बांध देंगे तो हमारा घेर जो है बहुत ही अच्छे से बनकर आएगा। और पीछे हम एक नॉट इस तरह से लगा देंगे। और साथ में हमने ये कैप बनाई है, ये देखिए, साथ में हमने कैप बनाई है 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। तो इस तरह से हम अपने लड्डू गोपाल को ये भी पहना देंगे। अब देखिए ड्रेस का लुक कितना प्यारा लग रहा है। और ये साथ में कैप भी बनाई है तो जिससे और भी प्यारी हमारी ये ड्रेस लग रही है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर बनाना अपने लड्डू गोपाल के लिए। 3 नंबर लड्डू गोपाल के लिए परफेक्ट मेज़रमेंट है, ये सेम मेज़रमेंट लेकर आप अपने लड्डू गोपाल के लिए ज़रूर ट्राई करें ड्रेस। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ड्रेस को। तो देखिए, यहाँ पर ड्रेस बनाने के लिए बहुत ही प्यारा सा ये मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो कि प्रिंट में है और बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, यहाँ पर इसकी लेंथ हमने रखी है 15 इंच, ये डबल करके है। ये देखिए, ये मैंने डबल कर रखा है और ओपन करें इसको तो ये 30 इंच है। देखिए, मेज़र करके दिखा देती हूँ। ये देखिए 30 इंच आ रहा है हमारा। और इसको मैंने डबल फोल्ड कर रखा था तो अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से दिखा दूँ, इस तरह ये हमारा 5 इंच है। तो 30 और 5 इंच का हमने ये फैब्रिक ले रखा है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे और ये हमें उल्टा रख के ऐसे उल्टा रख के हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है और दोनों साइड इधर भी लगानी है और इधर भी लगानी है। लगा के हम इसको पलट लेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों साइडों में सिलाई लगाएंगे, इधर भी और उधर भी किनारे की साइड पे। अब इसको पलट कर हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही इसको भी पलट कर सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सिलाई और पूरी पट्टी पर हमें ये वाली सिलाई लगानी है। तो देखिए, पूरी पट्टी पर मैंने सिलाई लगा लिया है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे तो प्लेट्स हमें इस तरह से उठाकर और एक के ऊपर एक रखते हुए हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। ये देखिए, सारी प्लेट्स मैंने यहाँ पे डाल दिया है और हमारा जो नेफा है वो यहाँ पे हम देखें तो ये देखिए 5 इंच हमारा नेफा रेडी हुआ है। अब हम इसको नेफे के लिए हमें पट्टी चाहिए तो 5 इंच होता है तो मैं हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेती हूँ। 6 हो तो 7 लो और 7 हो तो 8 इंच लो, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही पट्टी लेनी होती है। ये देखिए, ये मैंने नेफे के लिए पट्टी यहाँ पर ले रखी है।
ये हमारी 6 इंच है और इस तरह से हमने यहाँ पे ये 1.5 इंच ले रखी है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टी साइड रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ये हम उल्टा ही रखेंगे पट्टी को और इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए ड्रेस में तो कोई भी उल्टा सीधा नहीं है, लेकिन अगर आपकी ड्रेस में है उल्टा सीधा तो उल्टी साइड पट्टी को रखेंगे हम और इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से किनारे किनारे पे हम रखकर सिलाई लगाते रहेंगे और यहाँ देखिए ये हम इस साइड भी इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम अपने ड्रेस को पलट लेंगे तो ये हमारी सीधी साइड आ जाएगी ड्रेस की। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमें डोरी रखनी है। मैंने ये वूल से बना रखी है, आपके पास जो भी हो आप वो रखें। ये देखिए हम पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे पट्टी को और यहाँ पे हम ऐसे फोल्ड करके ऐसे यहाँ पे रख के सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाते हुए ध्यान दें कि हमारी जो सिलाई है वो डोरी पर नहीं लगनी चाहिए। तो ये हमारा नेफा भी बनकर रेडी हो गया है। अब हम ड्रेस में चोली बनाएंगे, तो ये देखिए ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम ड्रेस में चोली लगाएंगे, तो चोली बनाने के लिए ये देखिए ये मैंने यहाँ पे पट्टी ले रखी है और इसकी मैं लेंथ आपको दिखा दूँ। इस तरह से ये देखिए ये हमारी 11 इंच है, ये देखिए 11 इंच है ये हमारी, और ऐसे हम करें तो ये हमारी 2 इंच है। तो इस तरह से हम पट्टी को अब ऐसे ऐसे करेंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे हम रखकर सिलाई लगा देंगे, ये देखिए इस तरह से। इस तरह से भी लगा सकते हैं और वैसे भी हम पट्टी पे दोनों लगाकर इस तरह ये देखो ऐसे ऐसे लगाकर यहाँ पे सिलाई और पट्टी को पलट भी सकते हैं और इस तरह से भी हम सिलाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वाली चोली हम बना रहे हैं। देखिए चोली पे मैंने सिलाई लगा दी है, अब हम इस तरह से इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगा देते हैं या फिर डायरेक्ट भी हम चोली में अटैच कर सकते हैं इसको। ये देखिए ये हमारी चोली है और ये हमारी ड्रेस है। इसमें अब हमें क्या लगाना है, हम चोली को ऐसे करके लगाते हैं, ये हमें ऐसे नहीं, ये हमें नीचे रख के ऐसे करके लगानी है, ठीक है। तो हमें ड्रेस की ड्रेस का बीच ले लेना है, यहाँ पे मिडल में लगाएंगे। सेंटर पॉइंट आप चाहो तो मार्क भी कर सकते हो। एक बार और घुमाकर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसके लिए कैप बनाएंगे। तो कैप के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पे ये पट्टी ले रखी है, ये हमारी 10 इंच इस तरह से है और 2 इंच हमारी ये इस तरह से है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कैप बनाने के लिए, ये देखिए मैं एक साइड से फोल्ड कर दूँगी।
अब यहाँ पर इस तरह से हम प्लेट से डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लेट से डाल दिया है और ये हमारा लगभग 3 इंच है, ठीक है। अब हम क्या करना है, अब हमें ऐसे फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड रख के हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हम इनको ऐसे इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगा देंगे। एक बार और सिलाई लगा देंगे ऐसे कनेक्ट कर। इस तरह से ये हमारे लड्डू गोपाल की कैप भी रेडी हो गई है। इसको पलट लेंगे तो ये देखिए कितनी प्यारी हमारी कैप बनी है और ये हमारी ड्रेस बनकर रेडी हो गई। पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।